हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी टू गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा री इन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क के बारे में। एंड फ्रेंड्स, इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट भी बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, इस वर्क को कैसे करते हैं और इसकी क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर में। फ्रेंड्स, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क, जिसे हम आरवी ब्रिक वर्क भी बोलते हैं, फ्रेंड्स ये होता क्या है? फ्रेंड्स, आपने पुराने जो हमारे स्कूल्स जो बने हुए थे, उनको अगर कभी टूटते हुए देखा हो तो क्या होता है फ्रेंड्स? उनकी छत जो होती है, स्लैब, उनकी स्लैब जो होती है फ्रेंड्स, वो आरवी रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क की ही बनी हुई होती हैं। फ्रेंड्स, उसमें क्या करते हैं, हम ईंट लगाते हैं और ईंट के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी ब्रिक के जॉइंट होते हैं, ब्रिक के जॉइंट्स पे हम रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं और उनको हम फ्रेंड्स मसाले से दबाकर और उसे हम स्लैब कास्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वही मेरा ब्रिक वर्क, रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक स्क्रीन पर आरवी वर्क की फ़ोटो दिख रही होगी। फ्रेंड्स, इसे देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये मेरा जो आरवी वर्क होता है, ये होता कैसे। फ्रेंड्स, इसे हम छत में करते हैं, दीवारों में भी आजकल मेजर यूज होता है फ्रेंड्स इसका, वो वॉल्स में होता है। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख भी रहे होंगे फ्रेंड्स, हम वॉल्स में कई तरह से रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैं बताऊंगा रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क के बारे में और इसके रेट एनालिसिस के बारे में, इसकी मटेरियल की क्वांटिटी और उसमें लगभग कितना खर्चा मटेरियल का आ जाएगा। तो मैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए फ्रेंड्स आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डाटा दिया हुआ है, मेरा डाटा दिया हुआ है, जो मेरा आरवी वर्ग है, वो फ्रेंड्स 1 क्यूबिक मीटर के लिए मुझे करना है। एंड फ्रेंड्स, जो सीमेंट मॉडल का जो रेशियो है, वो मुझे लेना है 1:3। मोस्टली फ्रेंड्स, हम 1:3 ही लेते हैं आरवी ब्रिक वर्क, मतलब रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क हमें यहाँ करना होता है। एंड फ्रेंड्स, जो मुझे रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है, उसमें जो मेरा वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, इस वॉल्यूम का 0.8% रीइन्फोर्समेंट यूज़ करना है, मुझे यूज इसमें करना है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे कुछ लर्निंग पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसे हम करते कब हैं, मतलब क्या संभावना है फ्रेंड्स इसे करने की? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वी डू दिस वर्क वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन द मिडल लो लेवल एंड द लोड ऑन द स्लैब इज़ लो, वेयर वी कैन डू द रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं जहाँ पे मेरा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, थोड़ा मिडल लो लेवल का चल रहा हो, और फ्रेंड्स या फिर जो हमारी छत है, उस छत पर लोड कम आने वाला हो, फ्रेंड्स उस कंडीशन में हम रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है करें, आपका बजट है कम तो आप RCC की जगह फ्रेंड्स आरवी ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ये भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सेकंड है, मेरा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, थिकनेस ऑफ जॉइंट इन द रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क इज 30 mm, द बार बिकॉज द बार शुड बी वेल कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो ब्रिक वर्क होती है, उसमें क्या करते थे फ्रेंड्स, हम उसमें 1 सेंटीमीटर मीन 10 mm, 10 mm का जॉइंट हम मानते थे। फ्रेंड्स, रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क में मुझे जॉइंट कितने का देना, 30 mm का देना। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो सरिया हम प्रोवाइड करते हैं, सरिया फ्रेंड्स 8 mm की होती है, 10 mm की भी होती है। नॉर्मली फ्रेंड्स हम 10 या 12 mm की सरिया यूज़ करते हैं, मायने लगभग आधा इंच। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है मुझे, वो 3 सेंटीमीटर का हम इसलिए देते हैं फ्रेंड्स, आधा इंच को कवर कर ली और उसको मुझे चारों तरफ से कवर भी करना है, इसलिए हमें 3 सेंटीमीटर का हम क्या देते हैं, जॉइंट देते हैं आरबी ब्रिक वर्क में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल यूज सीमेंट मॉर्टर 1:3। फ्रेंड्स, जो हम सीमेंट मॉर्टर यूज़ करते हैं इसमें, वो 1:3 का यूज़ करते हैं इन जॉइंट ऑफ रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है, मैं ब्रिक वर्क वाली वीडियो में जो मैंने ब्रिक वर्क रेट एनालिसिस का बताया था फ्रेंड्स, आपने अगर यदि वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मॉडुलर ब्रिक, मॉडुलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है फ्रेंड्स, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर या फिर 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ब्रिक है स्टैंडर्ड ब्रिक, रियल वॉल्यूम ऑफ 1 स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, जो मॉडुलर ब्रिक है, वो जो स्टैंडर्ड साइज है उसका, अगर मैं उसकी एक ईंट का वॉल्यूम निकालूं फ्रेंड्स, कितना, 1 ब्रिक का मैं अगर वॉल्यूम निकालूं किसमें, मीटर क्यूब में, तो फ्रेंड्स पहले मैं इसे मीटर में बदलूंगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा फ्रेंड्स, आपको पता है 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं, mm होते हैं। एंड फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर में हमारे 10
क्या होते हैं, एमएम होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एमएम में मान लो या फिर सेंटीमीटर मान लो, एक सेंटीमीटर आपको पता है एक मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स मैं जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आता हूँ तो डिवाइड करता हूँ, फ्रेंड्स मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा, मेरा 0.19 मीटर आएगा। इसी तरह फ्रेंड्स ये आ जाएगा 0.09 मीटर, ये भी आ जाएगा 0.09 मीटर। फ्रेंड्स मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.0015 मीटर क्यूब। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, मेरा नेक्स्ट है टेक द थिकनेस ऑफ जॉइंट इज 30 mm, देन द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक 22 cm by 12 cm by 9 cm। फ्रेंड्स ये मैं किस तरह ले रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज फ्रेंड्स जो मैं ब्रिक ये जो हम रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क करते हैं, फ्रेंड्स अगर यदि मैं ब्रिक सामने से देखता हूँ तो फ्रेंड्स सामने से देखने पर क्या होता है, मैं आपको एक इसका डायग्राम बना देता हूँ। फ्रेंड्स सपोज फ्रेंड्स मैं फ्रॉग वाली साइड से देख रहा हूँ, ये इसका फ्रॉग है। फ्रेंड्स ये क्या मेरा स्ट्रेचर, ये क्या मेरा हेडर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है मेरा 9 सेंटीमीटर, ये कितना होता है 19 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स जो इसकी फ्रेंड्स जो इधर गहराई होगी वो भी कितनी होती है, लगभग 9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह यूज़ करता हूँ खड़ी ईट, खड़ी ईट का फ्रेंड्स आपको एक स्क्रीन पर चित्र आ रहा होगा, मैं इस तरह की खड़ी ईट यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं जब इसी तरह जब मैं इसे ऊपर से देखूँगा तो ये इस तरह दिखेगी 9 सेंटीमीटर और ये दिखेगी मेरी 19 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह की तीन ब्रिक लगाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ उस जॉइंट पे क्या करता हूँ, रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर 3 ब्रिक लगाऊँगा फ्रेंड्स, मैं फिर रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करूँगा और इनके प्रत्येक जॉइंट पे इधर से मैं रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता हुआ जाता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह फिर मेरी यहाँ पे ब्रिक आ जाएंगी, इसी तरह इधर ब्रिक आ जाएंगी, फिर मैं रीइन्फोर्समेंट इस तरह प्रोवाइड करता हुआ चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरा यू वाला जो जॉइंट है ये क्या फ्रेंड्स मैं क्या रखता हूँ इसे 3 सेंटीमीटर मीन्स 30 mm। फ्रेंड्स जहाँ पर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो हम प्रत्येक जॉइंट पर भी अब अपनी सरिया डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ मैं क्या करता हूँ, अब मैंने आपको साइज़ बताया 22 cm by 12 cm by 9 cm। तो फ्रेंड्स 22 cm कैसे हुआ, इधर भी मसाला आ रहा है इधर भी मसाला आ रहा है, मैं 3 cm ले रहा हूँ तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 3 cm बढ़ जाएगा, ये इधर भी ब्रिक होगी तो आधा ही हो लेगी, इधर से आधा हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर बड़ा फ्रेंड्स। तो 19 और 3 22। फ्रेंड्स इसी तरह इधर भी मसाला आ रहा है इधर भी मसाला आ रहा है तो फ्रेंड्स ये दोनों तरफ कवर कर रहा है तो ये भी मेरा क्या बढ़ जाएगा, 9 और 3 12। एंड फ्रेंड्स ये जो मेरा टॉप है, टॉप और बॉटम पे हम कोई भी ट्रिम पेंट अभी नहीं कर रहे हैं, जो हम स्लैब कास्ट करते हैं उस टाइम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए जो इसकी थिकनेस होगी इसकी मोटाई ईट की वो नहीं बदलेगी, वो 9 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसका जो नॉमिनल साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह नॉमिनल साइज़ क्या हो गया, 22 by 12 by 9 cm। तो फ्रेंड्स मैं इसका नॉमिनल वॉल्यूम निकाल लूँगा 1 ब्रिक का, तो 1 ब्रिक का जब मैं नॉमिनल वॉल्यूम निकालूंगा तो इसे मीटर में बदलूँगा, मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 100 से मैं डिवाइड करूँगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलता हूँ तो क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ। इसी तरह फ्रेंड्स मैं इसमें 100 से डिवाइड करूँगा, इसी तरह इसमें मैं 100 से डिवाइड करूँगा, वो मेरा आंसर आएगा 0.22 × 0.21 × 0.09। फ्रेंड्स जब मैं इनको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.002376। फ्रेंड्स अप्रॉक्स मैं इसे मान सकता हूँ 0.00238 क्यूबिक मीटर। तो फ्रेंड्स अब जो मेरी नंबर ऑफ ब्रिक, ये वाली जो ब्रिक होंगी नॉमिनल ब्रिक, ये मेरी नॉमिनल ब्रिक जो होगी 22 9 9 वाली, इसका जो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक होंगी फ्रेंड्स, 1 क्यूबिक मीटर में जब मैं 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ गया जितनी भी हमारी ईट यूज होंगी, तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है 420.16। तो फ्रेंड मैं इसको मान लेता हूँ अप्रॉक्स 420 ब्रिक मेरी यूज होंगी किसमें, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रीइन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क में। तो फ्रेंड्स जो मेरी 420 ब्रिक थी कौन सी, ये मैंने नॉमिनल साइज़ का निकाल लिया, अगर मैं 19 9 9 वाली का निकालूंगा, 19 9 9 वाली का 420 ब्रिक का मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या करूँगा, 420 की मल्टीप्लाई करूँगा 1 ब्रिक के वॉल्यूम में, तो फ्रेंड्स मेरा आंसर आएगा कितना 0.6468 क्यूबिक मीटर। क्योंकि फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.0054 क्यूबिक मीटर। एंड फ्रेंड्स
अब क्या कर सकते हैं हम, सीमेंट मोर्टार का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी रियल ब्रिक थी उनकी 420 ब्रिक का निकाल लिया, नॉमिनल ब्रिक का हमने वहाँ से निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 क्यूबिक मीटर से 420 रियल जो ब्रिक थी, स्टैंडर्ड साइज जो था मॉडुलर ब्रिक का उसका। तो मेरा जो जितना मसाला बचेगा, मसाले का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 क्यूबिक मीटर माइनस 420 ब्रिक का, जो मेरी स्टैंडर्ड साइज़ की मॉडुलर ब्रिक है उनका मैंने 420 ब्रिक का इसमें से घटाया वॉल्यूम, तो कितना बचा, 0.3533 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जो मेरा वॉल्यूम आया है वो आया 0.3532। फ्रेंड्स क्या करता हूँ मैं, इंक्रीज़ करता हूँ 5% वॉल्यूम किसके लिए, वेस्टेज के लिए। फ्रेंड्स वेस्टेज के लिए जब मैं इसका 5% ऐड करूँगा, 0.3532 का मैं जब मैं 5% निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.177। फ्रेंड्स जब मैं इसे इसमें ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.3709 क्यूबिक मीटर। एंड फ्रेंड्स मैं 20% वॉल्यूम और इंक्रीज़ करूंगा, इंक्रीज 20% वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार फॉर बॉयड फ्रॉग फिलिंग एंड गेट ड्राई वॉल्यूम। फ्रेंड्स अगर यदि मैं तीन ब्रिक आपस में लगाऊंगा, तो फ्रेंड्स जब मैं खड़ी ईंट लगाता हूँ तो फ्रेंड्स जो बीच में दो क्या आएंगे, फ्रॉग आएंगे। फ्रॉग में मुझे बॉन्डिंग के लिए मसाला भरना होगा, मसाला भरने के लिए, वो बॉयड भरने के लिए, मसाला भरने के लिए, और फ्रेंड्स जो आपको पता है पानी मिलाने पर थोड़ा सा श्रिंक करता है, उसके लिए मुझे ड्राई वॉल्यूम भी गेट करना है। उसके लिए मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 20% इंक्रीज़ कर रहा हूँ सीमेंट मोर्टार के वॉल्यूम का। तो फ्रेंड्स 0.3709 को जब मैं 20% इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.445। तो फ्रेंड्स इसको मैं अप्रोक्स मान सकता हूँ 0.45 क्यूबिक मीटर। तो फ्रेंड्स आप ये बात एकदम ध्यान रख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में, इन 1 क्यूबिक मीटर आरबी वर्क, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार यूज्ड, सारा कुछ मुझे बढ़ाने के बाद कितना लेना, 0.45 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर में लेना है। 1 क्यूबिक मीटर में 0.45 क्यूबिक मीटर मुझे सूखा मसाला मिलाना है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप कितने भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मटेरियल की क्वांटिटी डिटरमाइन करने जाऊंगा। फ्रेंड्स मटेरियल की क्वांटिटी मुझे पिछली की तरह ही फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने ब्रिक वर्क में और प्लास्टर वर्क में फाइंड आउट की थी, सीमेंट कंक्रीट वर्क में फाइंड आउट की थी। फ्रेंड्स आपने अभी वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर आके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सम ऑफ सीमेंट मोर्टार रेशियो, फ्रेंड्स मैंने सम ऑफ सीमेंट मोर्टार रेशियो निकाल लिया, कितना 3+1, क्योंकि 1:3 का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 4 हो गया। फ्रेंड्स ब्रिक में पहले ही निकाल चुका हूँ, जो ब्रिक की मेरी क्वांटिटी है वो कितनी आई थी फ्रेंड्स, 420 ब्रिक मेरी यूज हो रही है, 120 एक 420 ब्रिक यूज हो रही है मेरी 1 क्यूबिक मीटर में। तो फ्रेंड्स आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वन जो मेरा नंबर है किसमें, सीमेंट मोर्टार में, डिवाइडेड बाई सम ऑफ सीमेंट मोर्टार रेशियो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार। फ्रेंड्स मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.1125 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स जब मैं इसे किलोग्राम में निकालने जाऊँगा, फ्रेंड्स आपको पता है जो OPC सीमेंट होती है मेरी, उसका जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर। क्यों फ्रेंड्स, मैं जब 0.1125 में 1440 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 162 किलोग्राम। अगर फ्रेंड्स मैं बैग में निकालने जाऊंगा इन बैग, तो फ्रेंड्स आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर में फ्रेंड्स मेरे 28.1 बैग होते हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं 0.1125 में 28.8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.24 बैग। फ्रेंड्स मैं इसको अप्रोक्स मान लूँगा 4 बैग मेरे लगेंगे। एंड फ्रेंड्स अगर यदि मैं क्यूबिक फिट में निकालने जाऊँगा, तो आपको पता है दो तरह से मैं क्यूबिक फिट में निकाल सकता हूँ। पहला आपको पता है 1 मीटर में 35.31 क्यूबिक फिट होते हैं, तो फ्रेंड्स मैं 0.0 0.1125 मीटर क्यूब में 35.314 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3.972। एंड फ्रेंड्स आपको पता है एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 1.22 क्यूबिक फिट होता है, तो फ्रेंड्स 3.24 में जो मेरे बैग आए थे 3.24 रियली, उसमें मैं 1.22 की मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 3.95। फ्रेंड्स बिल्कुल अप्रोक्स सेम आता है, तो हम दोनों में से किसी भी तरह से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीमेंट का वॉल्यूम, सीमेंट की क्वांटिटी मुझे मिल गई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट निकालता हूँ मैं क्वांटिटी ऑफ सैंड या फाइन एग्रीगेट जो यूज़ करूँगा, तो फ्रेंड्स उसी तरह नंबर ऑफ जो मेरा रेशियो में दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ सीमेंट मोर्टार रेशियो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार। फ्रेंड्स जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.3375। फ्रेंड्स क्यूबिक फिट में निकालने जाऊंगा तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फिट होते हैं। फ्रेंड्स जब मैं 0.3375 में 35.314 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11.91 क्यूबिक फिट।
फ्रेंड्स, जब मैं किलोग्राम में निकालने जाऊंगा तो सपोज जो मैं फाइन एग्रीगेट यूज़ कर रहा हूँ, जो उसका यूनिट वेट है फ्रेंड्स, जो इसका यूनिट वेट है वो 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है फ्रेंड्स, 0.3375 में जब मैं 1600 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 540 किलोग्राम। एंड फ्रेंड्स, अब मैं क्वांटिटी निकालने जाता हूँ किसकी, रीइन्फोर्समेंट की। फ्रेंड्स, ये मैंने क्वांटिटी निकालने जाऊँगा तो फ्रेंड्स आपको पता है मैं 0.8% क्या है फ्रेंड्स, 0.8% मुझे यूज करना है फ्रेंड्स। एक क्यूबिक मीटर मेरा भर के एक फ्रेंड्स 1 क्यूबिक मीटर का जब मैं 1% निकालने जाऊँगा तो मेरा आंसर आएगा 0.008 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, मैं इसे किलोग्राम में निकालने जाऊँगा तो आपको पता है जो डेंसिटी है स्टील की 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। फ्रेंड्स, जब मैं 0.008 में 1850 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 62.8। फ्रेंड्स, इसको मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ 63 किलोग्राम मेरी स्टील इसमें यूज़ होगी। एंड चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। फ्रेंड्स, सरिया को बांधने के लिए मुझे बाइंडिंग वायर भी रिक्वायर्ड होगा, तो फ्रेंड्स बाइंडिंग वायर की जो क्वांटिटी है वो मेरी 500 ग्राम, सपोज आधा किलो मेरी बाइंडिंग वायर इसमें यूज़ होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रेक, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, रीइन्फोर्समेंट एंड बाइंडिंग वायर की क्वांटिटी मैं निकाल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी अमाउंट भी निकाल लेता हूँ कितने अमाउंट के ये मुझे पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ब्रिक आई थी 420 ब्रिक आई थी, सपोज 5500 रुपये पर 1000 मेरी ब्रिक चल रही हैं। फ्रेंड्स, मैं जब 420 ब्रिक की प्राइसिंग निकालूंगा तो फ्रेंड्स मेरा आंसर कितना आएगा, 2310। फ्रेंड्स, मैंने प्राइसिंग कैसे निकाली आपको पता है, 1000 ब्रिक आ रही है मेरी 5500 की, तो फ्रेंड्स 420 ब्रिक कितनी की आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं या तो एक ब्रिक का निकाल लूँगा प्राइस, तो फ्रेंड्स मैं जब इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 5.5। फ्रेंड्स, 5.5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस में, 420 में, तो मेरा आंसर आएगा 2310। फ्रेंड्स, ये रिमार्क मेरा इसी कैलकुलेशन के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आंसर आया 2310। फ्रेंड्स, 4 बैग सीमेंट आए थे। फ्रेंड्स, 360 का सपोज मेरा बैग है तो 1440 रुपये मेरे सीमेंट आएगी। फ्रेंड्स, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी आई थी मेरी 0.3375। फ्रेंड्स, सपोज 2000 रुपये पर क्यूबिक मीटर मेरा सेंड है तो फ्रेंड्स 675 रुपये का मेरा सेंड हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, जो मेरी रीइन्फोर्समेंट है सरिया 63 किलो थी, 45 रुपये किलो सरिया, तो फ्रेंड्स उसका जो अमाउंट होगा वो 2835 रुपये होगा। फ्रेंड्स, जो मेरा बांधने वाला तार था वो आधा किलो था, सपोज 60 रुपये किलो, तो फ्रेंड्स 30 रुपये का मेरा तार आएगा। फ्रेंड्स, मैं सब का सम करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 7290 रुपये। तो फ्रेंड्स, जो 1 क्यूबिक मीटर आर वी बर्क का जो मटेरियल है फ्रेंड्स, मटेरियल है तो मटेरियल की जो कॉस्ट आई है फ्रेंड्स पर क्यूबिक मीटर की कितनी आई है, 7290 रुपये पर क्यूबिक मीटर। तो फ्रेंड्स, आपको सारा कुछ समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप वीडियो फैला दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो फैल सके और जिनको इस तरह की वीडियो की नीड हो वो मेरी इस वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।